नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मोर नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं संदीप मौर्य हाजिर हूं आपके लिए नया वीडियो लेकर, जिसमें मैंने बताया है तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में, जिसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह मंदिर तिरुपति में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र से 2800 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंगदम कहा गया है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थित है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरि कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरि की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है। एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार 11वीं शताब्दी में संत रामानुज तिरुपति की इस 7वीं पहाड़ी पर चढ़कर गए थे। प्रभु श्रीनिवास, जो कि वेंकटेश्वर का ही दूसरा नाम है, उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाई। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15वीं सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15वीं सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। सन 1843 से 1933 ईस्वी तक अंग्रेजी शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीरामजी मठ के महंत ने संभाला। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। भक्तों की लंबी कतारें देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी हैं। तिरुमाला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। दोस्तों, अगर मुख्य मंदिर की बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्री नामक 7वीं चोटी पर स्थित है, जो स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। पुराणों तथा अलवर के लेखों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ही मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थयात्रियों की देखरेख पूर्णतः TTD के संरक्षण में है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर साक्षात विराजमान है। यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए गए अनेक द्वार, मंडपम और छोटे मंदिर हैं। मंदिर परिसर में मुख्य दर्शनीय स्थल हैं पड़ी कवली महाद्वार, संपंक प्रदक्षिणम, कृष्ण देवर्या मंडपम, रंग मंडपम, तिरुमाला राय मंडपम, आईना महल, ध्वजस्तंभ मंडपम, नदीमी पड़ी कवली, विमान प्रदक्षिणम, श्री वरदराज स्वामी श्राइन पोर्ट आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से हुई थी। यह संप्रदाय समानता और प्रेम के सिद्धांत को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उसकी विशेष कृपा प्राप्त होती है।
हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यहां विभिन्न जगहों पर बैंकों से एक विशेष पर्ची कटती है। इस पर्ची के माध्यम से आप यहां भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कुछ श्रद्धालु भक्तगण यहां प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिससे अभिप्राय है कि वे केशों के साथ अपना दंभ व घमंड छोड़ देते हैं। पुराने समय में यह संस्कार घरों में ही नाई के द्वारा संपन्न किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार का भी केंद्रीयकरण हो गया और मंदिर के पास स्थित कल्याणकट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस स्थान पर ही बैठते हैं, केशदान के पश्चात यहीं पर स्नान करते हैं और फिर पुष्करणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रसाद के रूप में अन्न प्रसाद की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत चरणामृत, मीठी पोंगल, दही चावल जैसे प्रसाद तीर्थयात्रियों को दर्शन के पश्चात दिया जाता है। दोस्तों, तिरुपति में आम तौर पर वर्ष भर गर्मी होती है। तिरुमाला की पहाड़ियों में वातावरण ठंडा होता है। मौसम के हिसाब से यहाँ आने का उपयुक्त समय सितंबर से फरवरी के बीच है। तो ये थी दोस्तों तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ जानकारियाँ। यह वीडियो तिरुपति बालाजी का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है उन अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जिनके दर्शन के बिना यहाँ का दर्शन पूरी तरह से अधूरा है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इतनी सारी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन यहाँ पर जा चुका है या जाने का प्लान बना रहा है। तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय बालाजी।